लेकर आज इतनी सारी फिल्में आपके पाइपलाइन पे हैं, किस तरह की जर्नी रही है थ्रू आउट दीस इयर्स? इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी. 2001 में मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी, 6 साल होने को आ रहे हैं अभी, एंड बहुत कुछ सीखा है. मैं रिग्रेट नहीं करता हूँ मैंने जो भी गलतियाँ की अपने करियर में, और मुझे लगता है जो मुझे मिलना था वो मुझे मिला है अब तक, और आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई करियर एंड आगे बहुत कुछ पाना है. फर्स्ट फिल्म तो बहुत सक्सेसफुल थी, उसके बाद कुछ फिल्में नहीं चली. फिर आई थिंक खाकी के बाद एक आई वुड से अ टर्निंग पॉइंट आया मेरे करियर में, जहाँ मैंने अच्छी फिल्में करना शुरू कर दिया वापस. सो आई थिंक खाकी इज़ बीन अ माइलस्टोन फॉर मी, एंड देन क्या कूल है हम, गायब, गोलमाल, ये फिल्में थोड़ी बहुत सक्सेसफुल रही हैं. सो थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर, एंड अब मेरा जो लाइनअप है इस साल का काफ़ी एक्साइटिंग है. सो 2007 आई होप इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर मी. मैंने कहा कि आप किसी फिल्म के लिए रिग्रेट नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में थी जिसमें बड़े चेहरे होने के बावजूद वो फिल्में चल नहीं पाई, तो क्या खास, मतलब क्या वजह मानेंगे आप इस चीज़ को लेकर? आई थिंक स्क्रिप्ट फॉल्टी था उन फिल्मों में, एंड समवेयर आई थिंक आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, तो जहाँ अगर मेरी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रही होगी, सो आई वुड से दैट वो केमिस्ट्री नहीं रहा होगा डायरेक्टर के साथ, पूरी टीम के साथ. तो आई थिंक एवरीबडीज़ वर्क हैज़ टू बी ग्रेट फॉर अ फिल्म टू बी सक्सेसफुल, जो कि क्या कूल है हम, गोलमाल, खाकी, इन सब फिल्मों से हुआ था. आई मीन लोगों ने अप्रिशिएट किया, फिल्में बॉक्स ऑफिस पर थोड़ी बहुत चली. सो आई वुड से इट्स ऑल टीम वर्क एंड द केमिस्ट्री हैज़ टू मैच, सो दैट्स द मेन इशू व्हाई अ फिल्म वर्क्स और डजंट वर्क. तो क्या वजह थी उस चीज़ में? आई डोंट नो, कम फिल्मों में तो नहीं आया. आई थिंक काफ़ी 3-4 फिल्में, तो उसके बाद 2001 में मेरी पहली फिल्म लगी, 2002 में 2-3 रिलीजेज हुई थी. तब से मेरा आई थिंक 2 रिलीजेज ईयर ही रहा है, क्योंकि आई एम अ लिटिल सेलेक्टिव, और इतना सिलेक्टिव होने के बाद भी कुछ मेरी फिल्में नहीं चली मेरी पहली फिल्म की सक्सेस के बाद. सो आई वुड से मेरी प्रोग्रेस जो रही है वो थोड़ी स्लो एंड स्टडी रही है. दैट्स व्हाई यू हैव नॉट सीन मी इन बिग फिल्म्स इमीडिएटली आफ्टर माय फर्स्ट फिल्म, हालांकि वो बहुत सक्सेसफुल फिल्म थी, तो उसके बाद यूजुअली यू कैन ऑफ ऑटोमेटिकली गेट इनटू द बिग लीग. लेकिन मेरी प्रोग्रेस जो रही है थोड़ी स्लो एंड स्टडी रही है. दैट्स व्हाई आई सेड अर्लियर, सो खाकी के बाद आई थिंक things got better and better and better, and now I have a number of good banners in my hand, and I'm going to start a few good banners also. So I think jo hota hai wo waqt se pehle aur naseeb ke baad kuch nahi mil sakta, there's a saying, you know, so I think that applies to me also. आपने कहा कि आप काफ़ी चूजी रहे फिल्मों के मामले में, तो क्या देखे आप फिल्म को चूज करते हैं? स्क्रिप्ट, इट्स अ स्क्रिप्ट द मेन थिंग, एंड देन एक फीलिंग होता है डायरेक्टर से मिलने के बाद कि क्या वो आपको प्रेजेंट अच्छा करेंगे, या फिर द प्रोड्यूसर्स स्ट्रेंथ टू मार्केट द फिल्म, ऑल दीज फैक्टर्स पुट टुगेदर, आई थिंक द होल सेटअप मस्ट बी गुड, बट द मेन थिंग इज द स्क्रिप्ट. अभी अगर आपके हाथ में फिल्में जैसे गोलमाल देखी है हमने, क्या कूल है हम देखी, इतनी अच्छी तरीके से चली, काफ़ी हिट गई है, तो उसके बाद आपने कुछ फिल्म मतलब चुनने के लिए कुछ डिफरेंट हुआ है जो नज़रिया होता है, या फिर फिल्म की तरफ देखने का नज़रिया होता है डिफरेंट हो चुका है अभी? ऐसा तो नहीं है. आई मीन जो क्राइटेरिया मैंने यूज़ किया था उन फिल्मों को करने के लिए, आई थिंक आई एम डूइंग यूजिंग द सेम क्राइटेरिया फॉर माय फॉलोइंग फिल्म्स आल्सो. कोइंसिडेंटली आई मीन आई एम डूइंग ऑल डिफरेंट रोल्स, जैसे क्या लव स्टोरी है इज़ अ रोमांटिक फिल्म, चूटारा लोखंडवाला में मेरा एक एक्शन ओरिएंटेड रोल है, ढोल इज कॉमिक, एंड अगर जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ आई एम प्लेइंग अ साइको. सो ऑल दीज रोल्स आर वेरी डिफरेंट, हैव डिफरेंट शेड्स, बट ऐसा कोई प्लान तो नहीं था कि अभी चलो अभी क्या कूल है और गोलमाल निकल गई तो I must do something different or I must present myself differently. I never planned it. I wouldn't mind doing 10 comedies in a row or only do romantic films as long as I like the film that I'm doing. So, bas instinct par hi maine apna career plan kiya. Aapne